कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन में एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टेंट्स मोशन। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या होता है, पहले ये थोड़ा वर्ड भारी भरकम लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो इसको हिंदी में समझते हैं, देसी भाषा में समझते हैं कि कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, अब भाई किसकी मजबूरी, आदमी की मजबूरी होती है, ब्लॉक्स की मजबूरी होती है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट्स मतलब होता है हिंदी में मजबूरी। कोई मतलब मजबूर मतलब क्या होता है कि यार वो चलने को काम करने को मजबूर है, उसका उस पर कंट्रोल नहीं, कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन है, अगर मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाऊंगा तो ये पेन तो आगे जाएगा ना भाई मेरे हाथ के साथ, ये पेन कुछ नहीं कर सकता यार, इसको आगे जाना मजबूरी है। ठीक है, तो दिस पेन इज कॉन्स्टेंट्स बाय दिस हैंड। ठीक है, ये इस हाथ की वजह से मजबूर है आगे चलने को। ठीक है, उसी तरह से मैकेनिक्स में कुछ पॉइंट्स रॉड किसी पॉइंट्स ब्लॉक्स की अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है, मजबूर होते हैं किसी दूसरे की वजह से। अगर दूसरा चलेगा तो उसको भी चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो रियल लाइफ में अगर तुम प्लेन में बैठ गए, ठीक है, मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, ठीक है, और दिल्ली से प्लेन जो है टेक ऑफ की और मुंबई लैंड करेगी, ठीक है, तो अब तुम प्लेन में बैठ गए यार, अब तो प्लेन के साथ तो मुंबई तो जाओगे ना, क्योंकि प्लेन आगे जाएगी तो तुम मुंबई तो जाओगे ना। अब मान लो तुम्हारा मन करता है कि यार नहीं, मैं बीच में हवा में, तुम्हारा मूड खराब हो गया, मैं प्लेन से उतरने वाला हूँ, ठीक है, मैं इस प्लेन से उतरूंगा, ठीक है, तो तुम उस प्लेन से नहीं उतर सकते। ठीक है भाई, अगर लैंड होगी तभी तो उतरोगे, बीच में अगर मान लो मतलब लैंडिंग नहीं होती है तो तुम प्लेन के साथ मुंबई तक तो जाओगे ही जाओगे भाई, तो तुम्हारी प्लेन के साथ जाना मजबूरी है। समझ में आ रहा? तो उसी तरह से मैकेनिक्स में अगर कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, वो किसी दूसरे की वजह से मजबूर है यार चलने को। ठीक है, जैसे मान लो इस ब्लॉक में, इस सिनेरियो में देख रहे हो आप कि ये अगर ब्लॉक आगे आता है और ये ब्लॉक आगे इधर आता है आगे, ठीक है, तो इसको ये कुछ नहीं कर सकता, इसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है यार कि ये दूसरे की वजह से चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मूव करता है, ये दोनों ब्लॉक आगे आते हैं, दोनों ब्लॉक भी वेलोसिटी से एक्सलेशन सेम एक्सलेशन के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, इसका एक्सलेशन सेम होगा, ठीक है, इसका एक्सलेशन अलग हो सकता होगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब कॉन्स्टेंट्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये अलग टाइप का कॉन्स्टेंट्स है जिसमें इसका एक्सलेशन अलग है, ठीक है, क्योंकि तो क्यों है कैसे हम बाद में समझेंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि ये जो है ये अलग एक्सले ये अलग इसकी स्पीड बी वन है, इसकी स्पीड बी है, तो ये अलग स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, तो अब भी हमें क्या है कॉन्स्टेंट्स में क्या है, मजबूरी है किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को चलने का, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को चलने का जो किसी दूसरे से फोर्स होता है, मजबूर होता है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट्स मोशन रिजल्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोर्सेड टू मूव इन ए पर्टिकुलर वे, रिस्ट्रिक्टेड वे। ठीक है, फोर्स है, मजबूर है। ठीक है, अब हमें इस कॉन्स्टेंट्स को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये एक अलग टाइप का कॉन्स्टेंट्स है। आज मैं आपको इस लेक्चर में जो कराने वाला हूँ वो जनरल कॉन्स्टेंट्स है, या आप कुछ लोग इसको स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेज कॉन्स्टेंट्स, नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो मैं तीन लेक्चर में आपको इतना ज़्यादा करा दूंगा कि आपको कॉन्स्टेंट्स जो भी जेई नीट एडवांस में जो भी क्वेश्चन आएगा सब कर लोगे। बट दिक्कत क्या है कि आप पूरा लेक्चर ढंग से देखोगे तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। ठीक है, चलो, बट ये है कि मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनोगे तो बहुत बेहतर तरीके से तुम्हें मतलब रिजल्ट आएगा। और ये कोर्स इसीलिए डिजाइन किए हैं क्योंकि बिकॉज इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आया। अभी हम जनरल कॉन्स्टेंट्स पढ़ते हैं, जनरल कॉन्स्टेंट या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो एक स्ट्रिंग लेते हैं, ये स्ट्रिंग कोई नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है जो रियल लाइफ में है, ये एक स्पेशल स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक खास स्ट्रिंग बनाया गया है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रिंग के लिए लगा सकते हो, स्ट्रिंग है, रॉड है, रोप है, ठीक है, और भी कई जगह लगा सकती हो। अगर ये स्ट्रिंग है, अब मान लो ये स्ट्रिंग इधर मोशन कर रही है, ठीक है, इधर इसका मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट की स्पीड v1 है और इस पॉइंट की स्पीड v2 है। क्लियर है, ये दो पॉइंट है जिनका अलग अलग स्पीड में मान लिया। ठीक है,
तो अगर अगर ये स्ट्रिंग किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक ब्लॉक ए नाम का ब्लॉक है और यहाँ पर ये बी नाम का ब्लॉक है, समझना एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बदली नहीं है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बदली नहीं है, ऐसा नहीं यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ अलग थी और यहाँ अलग थी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं लगेगा यार, एक ही स्ट्रिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों ब्लॉक को अच्छे तरीके से मोशन होना है, ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड जो होती है वो सेम होती है, स्पीड ऑफ बी वन मस्ट बी स्पीड ऑफ बी टू, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा यार, मोशन, ये जो मोशन हो रहा है वो सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा क्यों, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो हर पॉइंट इक्वल स्पीड से मूव करेगा, एक ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से देखता है, एक ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से देखता है तो उसको हर पॉइंट की स्पीड सेम नज़र आएगी, अगर एक ऑब्जर्वर इस स्ट्रिंग के फ्रेम से देखता है, उसी पर चढ़ के देखता है, तो हर पॉइंट की इसकी रिलेटिव स्पीड वन विथ रिस्पेक्ट टू जीरो नज़र आएगी, मतलब रेस्ट में नज़र आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव स्पीड ऑफ वन और टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ वी वन मस्ट बी इक्वल टू वी टू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोशन होना है, ठीक है, अगर कंटिन्यूस मोशन होना है तो स्पीड वी वन का वी टू का इक्वल होगा, और ये मोर जनरल वे में, मोर जनरलाइज वे में इसको नोट करके ढंग से लिख लो कि स्पीड स्पीड एलोंग एलोंग द स्ट्रिंग, स्पीड एलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स, स्पीड एलोंग द स्ट्रिंग्स रिमेन्स सेम, मतलब स्ट्रिंग के एलोंग जो स्पीड है, ठीक है, स्ट्रिंग के एलोंग जो स्पीड है वो हमें सेम रहेगी, ठीक है, स्ट्रिंग के एलोंग जो स्पीड है वो सेम रहेगी। अब स्ट्रिंग के एलोंग अगर स्पीड सेम रहेगी, अगर सेम नहीं हुई तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। If V1 is greater than V2, अगर मान लो V1 V2 से अधिक आ गया, V1 कहाँ भैया, ये वाला पॉइंट है V1 और ये पॉइंट V2 है, तो अगर V1 अधिक आ गया मतलब स्पीड ये 30 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा बहुत तेजी से और ये जा ही नहीं रहा यार 10 से जा रहा, तो स्ट्रिंग बीच में स्लैक हो जाएगी यार, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, ये इधर ही रह जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग विल स्लैक, स्ट्रिंग विल स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी या लूज हो जाएगी, या स्ट्रिंग जो है लूज हो जाएगी और टेंशन हो जाएगा जीरो और मोशन सीज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो स्पीड v2 is greater than v1, अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि if v2 is greater than v1, मतलब v2 अगर ज़्यादा है, v2 ज़्यादा है, ठीक है, ये समझना, v2 ज़्यादा है और v1 चल ही नहीं रहा यार, बहुत कम स्पीड से चला, v2 आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा तभी हो सकता है जब स्ट्रिंग टूट जाए यार, स्ट्रिंग टूट जाएगी, अगर v2 बहुत तेज़ी से आगे चला गया और v1 वहीं रह गया, तो जो स्ट्रिंग हम लिए थे मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कोई नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं थी, ठीक है, मासलेस थी और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी, तो वो उसके लिए ये कंडीशन सही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ स्ट्रिंग विल ब्रेक, स्ट्रिंग विल ब्रेक, स्ट्रिंग टूट जाएगी और उसमें टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा कि हमने, हमें याद रखना है आज का जो लेक्चर है वो हमें याद रखना है कि स्ट्रिंग के एलोंग, टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो, सीधी सीधी हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, स्ट्रिंग के एलोंग जो वेलोसिटी आएगी, स्ट्रिंग के एलोंग स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्ट्रिंग के एलोंग जो स्पीड आएगी वो इक्वल होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं कि अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको याद रखना है कि स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन सेम, स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल खींच के लंबा नहीं कर सकते उसको, ठीक है। चलो तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग के अलोंग जो स्पीड आएगी वो इक्वल होगी। अगर मान लो एक स्ट्रिंग है और ये जो पॉइंट है वो V1 से इधर जा रहा है जो कि हॉरिजेंटल से अल्फा डिग्री पर है, और ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का B पॉइंट, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट V2 से ऊपर जा रहा है जो कि ये बीटा डिग्री पर है। तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ के आए वो क्या कहना चाह रहा कि अगर मैं ये अपना जो कॉन्सेप्ट, ये जो स्पेशल स्ट्रिंग है, इस स्पेशल स्ट्रिंग के लिए मैं लगाऊँ तो क्या है,
तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँगी, अब देखो स्ट्रिंग जो है ये जो है, अगर मान लो ये स्पीड बी वन से इधर जा रहा स्पीड है, और बी वन से इधर जा रहा, बी टू से इधर जा रहा, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग की एलॉन्ग वाली लेंथ कौन है, दिस इज द लाइन एलॉन्ग द स्ट्रिंग, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन बना रहा हूँ, दिस इज एलॉन्ग द स्ट्रिंग, एलॉन्ग एलॉन्ग द स्ट्रिंग, एलॉन्ग द स्ट्रिंग, ये जो लाइन है एलॉन्ग द स्ट्रिंग है, मतलब इस लाइन में जो स्पीड आएंगे वो इक्वल होंगे। तो इस क्या इस लाइन में स्पीड आ सकता, आएगा यार, इसके कंपोनेंट करोगे तो आएगा, ठीक है। तो ये वी टू, तो ये वी टू के कंपोनेंट वी टू कॉस बीटा इधर गया, ठीक है, और ये जो साइन है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वी टू साइन, वी टू साइन बीटा इधर जाएगा, ठीक है, और ये वी वन है तो ये वी वन, वी वन कॉस अल्फा इधर आएगा, और ये आ जाएगा वी वन साइन अल्फा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ किया है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो पढ़े स्ट्रिंग के अलोंग, इसका एक कॉम्पोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग जा रहा, और इसका एक कॉम्पोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी टू कॉस बीटा मस्ट बी इक्वल टू वी वन कॉस अल्फा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा कि स्ट्रिंग के एलोंग स्पीड सेम होगा, इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है। चलो अब आज का जो न्यूमेरिकल है, आज का जो टॉपिक है, और यही रहेगा, और इसी पे आगे के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो इसी के कॉन्सेप्ट पे है, इसी के बेस पर है। चलो ये क्वेश्चन है, ये देखो, अब इसी के कॉन्सेप्ट